ये YouTube चैनल सिर्फ एनिमेटेड स्टोरीज वाली वीडियोस डालकर महीने लाखों रुपए कमा रहा है, और अगर आप इस चैनल पर जाकर इनके सब्सक्राइबर्स भी देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एनिमेटेड स्टोरीज वाली वीडियोस पर बेस्ड है। तो क्या आप भी बिल्कुल ऐसी एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं और हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। और ट्रस्ट में, इसके लिए आपको ना ही एक एनिमेशन एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है और ना ही आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए। यह काम तो एक बिगिनर भी बड़ी आसानी से कर सकता है, सिर्फ एक दो क्लिक से। लेकिन सवाल है कैसे, और क्या ये वीडियोज़ यूट्यूब पर मोनेटाइज भी होती है? जी हाँ बिल्कुल होती है, और कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बेसिकली हम 5 इजी स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, और ये सब कुछ आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं बिना एक भी रुपए खर्च के। तो सबसे पहले स्टेप 1, आपको चाहिए होगी एक स्टोरी या स्क्रिप्ट पूरी वीडियो के लिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ChatGPT का, और आप चाहें तो गूगल बार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया कि एक मॉरल किड स्टोरी दे 1000 वर्ड्स। आप जितने चाहें उतने वर्ड्स के ले सकते हैं, कम्प्लीटली योर चॉइस। स्क्रिप्ट मिल जाने के बाद हम ChatGPT को बोलेंगे कि ये पूरी स्क्रिप्ट सीन बाय सीन डिवाइड कर, और फिर सीन के लिए हमें एक इमेज प्रॉम्प्ट भी दे दे, जिससे कि हम नेक्स्ट स्टेप में हर सीन के लिए इमेजेस भी जनरेट कर सकें। चलिए, तो पूरी स्टोरी भी मिल गई और साथ ही साथ सारे सीन्स के लिए हमें प्रॉम्प्ट भी मिल गए। अब हम स्टोरी को एक वर्ड डॉक में कॉपी कर लेंगे। प्रॉम्प्ट्स को कॉपी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बाद में हम इसे यहीं ChatGPT से ही कॉपी कर लें। अब हमें जनरेट करने हैं कैरेक्टर्स या फिर इमेजेस, इसके लिए हम चलते हैं स्टेप 2 पर। तो अब आप इमेजेस जनरेट करने के लिए या तो ब्लू विलो का यूज़ कर सकते हैं या फिर लियोनार्डो AI का, दोनों ही फ्री है। दोनों पर मैंने इससे पहले डेडिकेटेड वीडियोज़ भी बनाई हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं लियोनार्डो AI का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस पर आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ये प्रॉम्प्ट बॉक्स भी आप देख सकते हैं, जिसमें हर सीन का प्रॉम्प्ट हम इसे देंगे और ये हमारे लिए इमेजेस जनरेट करके देता जाए। तो ChatGPT से पहले सीन वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इमेज डायमेंशन 1024x768 सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि YouTube वीडियो के लिए ये सही रहेगा। और यहाँ पर इमेज स्टाइल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें स्टोरी के लिए इमेजेस कार्टून के स्टाइल में चाहिए, तो हम सेलेक्ट करेंगे ड्रीम शेपर V5 वाला ऑप्शन, और बस फिर जनरेट पर क्लिक कर देंगे। और अब 10 सेकंड के अंदर आपको ये 4 इमेजेस बना के दे देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो भी इमेज आपको इसमें से पसंद आए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और अगर पसंद ना आए तो आप फिर से जनरेट करने इसे बोल सकते हैं। अब क्योंकि हम एक स्टोरी बना रहे हैं, तो हमारी इमेजेस एक पर्टिकुलर थीम या बैकग्राउंड में ही होनी चाहिए और सारे सीन्स में ये मेंटेन होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, जिससे कि सारी इमेजेस एक ही स्टोरी के कंटिन्यूएशन में लगे, फिर चाहे हम इसे अलग अलग प्रॉम्प्ट ही क्यों ना दें। तो हम ChatGPT से दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और फिर इसे यहाँ बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। लेकिन इमेजेस जनरेट करने के पहले अब आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ये इमेज प्रॉम्प्ट वाला, आपको इस पर क्लिक करना है और जो इमेज हमने इससे पहले डाउनलोड की है उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक काम और करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ जहाँ पर कैरेक्टर का नाम होगा आपको उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा हर सीन में कि वो कैरेक्टर क्या है, क्योंकि AI के लिए तो हर प्रॉम्प्ट एक नया प्रॉम्प्ट, तो उसे पता नहीं कि कौन टिमी है और कौन टॉम है। जैसे इस एग्जांपल में मैं टिमी के आगे टाइप कर दूंगा अ स्मॉल बॉय, और बाकी प्रॉम्प्ट्स एज इट इज ही रहने दूंगा। जहाँ जहाँ पर टिमी होगा वहाँ पर मैं स्मॉल बॉय डालूँ। यह आपको हर सीन में करना पड़ेगा फर्स्ट सीन के बाद, क्योंकि AI को पता होना चाहिए कि टिमी कौन है, और वो हमें रेलिवेंट इमेजेस जनरेट करके दे देगा। बस इसके बाद जनरेट पर क्लिक कर दीजिए, और अब हमें सेकंड सीन के लिए भी इमेज मिल जाएगी, जिसे हमें डाउनलोड कर लेना है जो भी इमेज पसंद। इससे हमारी थीम मेंटेन रहेगी पूरी स्टोरी में और हर सीन कंटिन्यूएशन में भी लगे। ये ChatGPT वाला प्रॉम्प्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। आप चाहे तो उसे कॉपी कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा अगर कोई कन्फ्यूजन। चलिए, तो अब हमें सारे सीन्स के लिए कैरेक्टर जाने की इमेजेस भी मिल गई है। अब हम चलेंगे स्टेप 3 पर। अब हमें इन सारे कैरेक्टर्स में एनिमेशन ऐड करना है, तो इसके लिए आपको आ जाना है इस साइट पर जिसका नाम है LiaPics Converter। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने गूगल अकाउंट से साइनअप कर लें। इसके बाद होम पेज में आपको ये नीचे प्लस वाला आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और एक एक करके यहाँ पर सारी इमेजेस ले आनी है जो हमने बनाई। और जैसे ही आप इसमें इमेज अपलोड करेंगे,
ऑटोमेटिकली वो एनिमेट होने लगेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड एनिमेशन है, तो आप चाहे तो इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि नीचे ये टाइमर में आप एनिमेशन का टाइम सेट कर सकते हैं, कितनी देर का एनिमेशन चाहिए। उसके बाद एनिमेशन का स्टाइल आपको चाहिए वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या साइड बाय साइड, ये सब भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन की इंटेंसिटी कितनी चाहिए, स्पीड कैसी चाहिए, ये सब आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ट्राई करके आप ये सारे ऑप्शन देख लीजिए, जो भी आपको पसंद आए वो आप चूज़ कर लीजिए। बहुत ही ईजी है इस टूल को यूज़ करना, और इस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो भी पहले बनाई है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आप कुछ चेंज नहीं भी करना चाहें इस एनिमेशन में, तो आप इसे एज इट इज ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको ये शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर MP4 वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे करके आपको अपनी सारी इमेजेस यहाँ पर एक एक करके ले आनी है, और हर सीन के लिए उसे एनिमेट कर लेना और डाउनलोड कर लेना है, इजी एंड सिंपल। चलिए, तो 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम चलेंगे 4 स्टेप पर। अब आपको इस स्टोरी के लिए एक वॉइस ओवर ऐड करना है, आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहे, चाहे हिंदी या इंग्लिश। तो इसके लिए गूगल ट्रांसलेट में जाकर आपको अपनी पूरी स्क्रिप्ट कन्वर्ट कर लेनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं उसमें। यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसे कन्वर्ट कर लीजिए, और कन्वर्ट कर लेने के बाद आपको इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है और आ जाना है 11 Labs, और यहाँ से हम बनाएंगे एक वॉइस ओवर। मैं अभी इसमें AI का वॉइस ओवर लगा के दिखा रहा हूँ। अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हैं वीडियो को, तो आप यहाँ तक सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, लेकिन AI के वॉइस ओवर ऐड करने के बजाय आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर दीजिए, जिससे कि वीडियो भी इजीली मोनेटाइज हो जाएगी। और आप ये सारे एलिमेंट्स को फिर फाइनली ऐड कैसे करेंगे, ये मैं आपको आगे फाइनल स्टेप में दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए। चलिए, तो यहाँ से हमें एक वॉइस सेलेक्ट करके हिंदी सेलेक्ट कर लेना है और जनरेट पर क्लिक कर देना है। टिम्मी हरे भरे जंगल में एक संकरे रास्ते पर चल रहा है। जब खरगोश जंगल में उछल कूद कर रहा है, तो टिम्मी उसका पीछा कर रहा है। तो हमें AI का वॉइस ओवर भी मिल गया है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम चलेंगे फाइनल और लास्ट स्टेप में, जहां पर हमें ये सारी चीजें एक साथ असेंबल करनी है एक वीडियो के फॉर्मेट में। तो हम आ जाएंगे canva.com पर। वैसे आप चाहे तो कैनवा के बजाय काइन मास्टर या VN ऐप पर भी आसानी से कर सकते हैं, तो आपको जो भी ऑप्शन ईजी लगे आप वैसा कर लें। तो यहाँ पर वीडियो का साइज हम YouTube वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे, और अब जितनी भी एनिमेटेड वाली इमेजेस है या वीडियो है उसे हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और साथ ही 11 लैब्स वाला वॉइस ओवर भी हम अपलोड कर देंगे। और अगर आपने खुद की रिकॉर्डिंग बनाई है, तो आप उसे भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं AI वॉइस ओवर के जगह पर। तो चलिए, अब इमेजेस को डिज़ाइन में ऐड कर देते हैं, और इसका साइज फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, ताकि स्क्रीन में प्रॉपरली फिट हो जाए। परफेक्ट। तो सारी इमेजेस भी हमने ऐड कर दी हैं। अब कर्सर को बिल्कुल बिगिनिंग में ले जाते हैं, और फिर ऑडियो फाइल में क्लिक करके उसे भी ऐड कर देते हैं, और वीडियो को एक बार प्ले करते हैं। टिम्मी हरे भरे जंगल में एक संकरे रास्ते पर चल रहा है, और जहां पर पहला सीन खत्म हो रहा है वहां पर वीडियो को पॉज करेंगे, और फिर उसकी टाइमिंग एडजस्ट कर देंगे वॉइस ओवर के हिसाब से। जब खरगोश जंगल में उछल कूद कर रहा है, तो टिम्मी उसका पीछा कर रहा है। तो बस हर पेज को ड्रैग करके वॉइस ओवर के हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट करते जाइए, और अगर कोई सीन ज़्यादा फास्ट है और वॉइस ओवर से आगे निकल रहा है, तो आप उस सीन की स्पीड भी यहाँ पर कम कर सकते हैं, जिससे कि वो वॉइस ओवर के साथ सिंक हो जाए। चलिए, तो फाइनली सारी चीज़ें ऐड हो गई है, इसे हम एक बार प्ले करके अब देख लेते हैं। टिम्मी हरे भरे जंगल में एक संकरे रास्ते पर चल रहा है। जब खरगोश जंगल में उछल कूद कर रहा है, तो टिम्मी उसका पीछा कर रहा है। टिम्मी गिलहरियों को ध्यान से सुन रहा है, जो उसके चारों ओर इकट्ठी हैं। टिम्मी कुशलता पूर्वक भोजन इकट्ठा करने का प्रदर्शन कर रहा है। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। बस इसे अब आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम जहां पर चाहे वहां पर अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।